हेलो गाइस, वेलकम टू स्ट्रैटिस। दिस इज रणधीर प्रताप सिंह एंड दिस इज आवर ब्लैकबर्ड। आपने वीडियो के टाइटल से आइडिया लगा ही लिया होगा कि वी आर गोइंग टू गेट न्यू थ्रेड्स फॉर आवर हिमालयन। इसका पुराना टायर काफ़ी वर्न आउट हो चुका है, बीच में से हो चुका है, साइड्स अभी भी हैं। इट कैन स्टिल बी यूजेबल इन द सिटी बट आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ इट क्योंकि वी आर गोइंग ऑन अ वेरी लॉन्ग राइड वेरी सून एंड आई वॉन्ट गेट दिस चेंज। तो थोड़ा बाइक स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स टॉक ऑन द रोड। ये मेरा थर्ड टायर चेंज होगा दोस्तों हिमालयन का और मैं 32,000 मेरी बाइक चल चुकी है एंड आई एम सरप्राइज्ड एंड कंफ्यूज्ड एज वेल बिकॉज मेरा जो फर्स्ट टायर था जो बाइक के साथ स्टॉक आया था C8 का 120/90 R17 वो मेरा 20,000 किलोमीटर्स चल गया स्टॉक टायर एंड वही सेम टायर जो सेकंड था मेरा वो सिर्फ 10,000 किलोमीटर्स चला। मे बी बिकॉज मैंने सारा उसमें राइड किया, लद्दाख उसमें करा, पांगी उसमें करा, स्पीति उस पर रिपीट किया, एक बार बॉम्बे से आया मैं तो 10,000 में वो पूरा वर्न आउट हो गया था। तो रिसेंटली मेरे को पता चला कि अपोलो ने भी टायर लॉन्च करा है स्पेशली फॉर हिमालयन सेम साइज़ का R6 नाम का एक्टिव ग्रिप, एक्टी ग्रिप या एक्टिव ग्रिप। सो उसका रिव्यू मेरे को C8 वाले से थोड़ा अच्छा लगा। लोग कह रहे हैं कि इट्स बेटर, उसका जो माइलेज है टायर माइलेज इट्स मोर देन द C8 1। सो मैं इस बार स्विच करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि हाउ इज़ द अपोलो टायर गोइंग टू परफॉर्म ऑन माय बाइक, क्योंकि अभी राइड पर जाएंगे तो आइडिया लग ही जाएगा क्योंकि पुराना वॉर्न आउट टायर तो मैं नहीं यूज़ करना चाहता। बाय गॉड इट्स वेरी हॉट राइट नाउ, अभी 4:30 बज रहे हैं दोपहर के। फर्स्ट डे ऑफ राइड क्या होगा मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट डे तो हम जिधर भी जाएंगे गर्मी तो रहेगी। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग गर्मी से बैटल करना क्योंकि ईजिली अभी 41-42 के आसपास टेम्परेचर हो ही रहा है क्योंकि बाइक 45 दिखा रही है, अभी थोड़ी गर्म हो जाएगी तो सीधा 55 पहुँच जाएगा बाइक का टेम्परेचर। और अपोलो टायर्स के बारे में मैंने पढ़ा कि उसका जो रोड पर कंट्रोल है और जो उसकी रोड ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी है, ऑफ रोड स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। वेट ग्रिप के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं था कि अपोलो R6 टायर की वेट ग्रिप कैसी है, वो हम चेक कर ही लेंगे जल्द ही। बट आई रियली वॉन्टेड टू स्विच क्योंकि दो टायर मैंने सेम यूज़ कर लिए, आई वॉन्टेड टू सी कि एक डिफरेंट टायर मतलब कैसा रहेगा मेरे लिए। सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू गेट अपोलो। रजौरी आ गया हूँ व्लॉग करने के लिए, मुझे वापस टैगोर गार्डन जाना है क्योंकि वहाँ पर डीलर है जिनसे मेरी बात हुई है। इन अ वे आई वुड प्रेफर कि धूप ही रहे जिस दिन हमारा फर्स्ट डे राइड का हो, बारिश ना हो क्योंकि बारिश में ना फर्स्ट डे में ही काफ़ी हौसले चूर चूर हो जाते हैं, विच आई रियली डोंट वॉन्ट क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फर्स्ट डे में ही बारिश बारिश क्योंकि आपको इतना सारा लेयर पहन के गर्मी भी रहेगी और बारिश भी रहेगी। आई रियली वॉन्ट कि धूप ही रहे, धूप हम झेल लेंगे। एंड मैंने जितने भी लोगों से पूछा और ऑनलाइन पढ़ा तो एवरीवन वाज सजेस्टिंग कि अपोलो टायर्स आर बेटर देन C8 टायर्स। C8 इज मोर ऑफ अ बजट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकल टायर कंपनी, वेयर एज अपोलो इज अ स्टेप अहेड और अ स्टेप बेटर आई गेस। वील फाइंड आउट सून वेदर अपोलो इज बेटर देन C8 और इज जस्ट अ होक्स एंड एवरीबॉडी इज जस्ट प्रमोटिंग अपोलो टायर्स। बिकॉज C8 का मेरे को एक रीज़न प्रेफरेंस का इसलिए था बिकॉज C8 आर टेस्टेड बाय रॉयल इनफील्ड, दैट इज़ वाई, क्योंकि वो स्टॉक है तो ऑटोमेटिकली कंपनी से ज़्यादा टेस्टिंग कोई नहीं करेगा एंड न्यू थ्रेड्स में थोड़ा सा हैंडलिंग वगैरह पर कुछ चेंज ना पड़े इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा C8 की तरफ था। चलो अब हम पहुँचने वाले हैं टैगोर गार्डन। न्यू टायर्स करके कुछ है, ये जस्ट इधर ही है, ये आ गया चावला बैंड, साजन बैंड, दिस इज न्यू क्वालिटी टायर्स। सो दिस इज द प्लेस। सो गाइज दिस इज द टायर, इसकी बॉडी इज डिफरेंट, जो इसका थ्रेड है इज डिफरेंट दैन द स्टॉक C8 टायर 120/90/17। सो दिस इज द सेटअप फॉर हिमालयन, दिस इज द डिफरेंस बेसिकली। इसका थ्रेड में 3 नॉब्स हैं एंड दिस ओनली हैज 2, बट दीज आर बिगर वंस अलॉन्ग विद सम रेज रबर ओवर हियर। दिस इज गुड फॉर वाटर मूवमेंट एंड इट सेज दैट दिस टायर हैज अ बेटर ग्रिप क्वालिटी देन द C8 1। यू विल फाइंड दैट आउट सून। सो गाइज द गाय इज टेलिंग मी अबाउट कि अपोलो टायर्स पे 3 ईयर्स की गारंटी है, नॉट वारंटी, गारंटी। कि अगर आपका टायर कट वगैरह कट भी जाए रोड पर तो आप इनके पास लेकर आओ,
जितना भी वेयर एंड टेयर हुआ होगा उसको माइनस करके वो आपको एक न्यू टायर दे देंगे। तो मतलब अगर रोड पर आपका डैमेज भी होता है ना तो उसको भी कवर कर रखा है अपोलो टायर से। तो इन अ वे आई एम हैप्पी, बट इसकी रोड परफॉर्मेंस यूज़ करने के बाद एक्चुअल पता लगेगा कि इज़ इट वर्थ इट ओवर द सीएट टायर, क्योंकि दिखने में अच्छा लग रहा है, साइज़ भी उतना ही चौड़ा है। कोई कई लोग बोल रहे थे कि इसकी चौड़ाई कम है, टायर थोड़ा पतला है कंपेरेटिवली टू द सीएट टायर, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल इक्वल लगा। सो गाइज द टायर इज़ इंस्टॉल्ड, दिस इज़ हाउ इट लुक्स, लुकिंग प्रीटी नाइस। वील सी अबाउट द परफॉर्मेंस लेटर। एंड दिस इज़ द स्टोर, न्यू क्वालिटी टायर्स। हमारा स्टोर न्यू क्वालिटी टायर्स जो कि टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास पिलर नंबर 434 पर है। एंड यू ऑल गाइज आर वेलकम। आपके लिए जो स्पेशल डिस्काउंट होगा वो भी मैं आपको दूंगा। सर अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9891277796। मेरा नाम हरबख्शीश है। एंड आई वॉन्ट टू टेल कि मैंने सुबेरे सर को फ़ोन किया था, सर ने मेरी सारी क्वेरीज एकदम पेशेंटली सॉर्ट आउट करी। सो यू गाइज कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हिम और विच एवर बाइक। ये सर सारी कंपनीज के सारे टायर्स में डील करते हैं, आप कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो, आपकी जैसी नीड हो सर सॉर्ट आउट कर देंगे। श्योर, न्यू क्वालिटी टायर्स, स्ट्रैटिस वुड रेकमेंड। सो गाइज ऑलरेडी बाइक मेरे को थोड़ी ऊंची लग रही है क्योंकि मेरा पुराना टायर वॉर्न आउट हो चुका था। तो लेट्स सी हाउ दिस टायर परफॉर्म्स। एंड ऑलरेडी आई एम फीलिंग अ लॉट कॉन्फिडेंट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें मुझे ग्रिप प्रोवाइड कर रहा है टायर। नाइस, थोड़े से ब्रेक शूज अब ऑड बिहेव कर रहे हैं बट इट फील्स नाइस। द बाइक इज फीलिंग वेरी निम्बल। अभी टायर थोड़ा न्यू है तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम इट। थोड़ा सा वेयर आउट होगा, थोड़ा सा ब्रेक इन होगा टायर, तो इट्स गोइंग टू परफॉर्म इवन बेटर। काफ़ी अच्छा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है क्योंकि न्यू भी है अभी, क्योंकि पुराना टायर पूरा घिस के एकदम फ्लैट सा हो गया था। तो इसमें मुझे काफ़ी मूवमेंट फील हो रही है, थोड़ा सा लीन भी कर पा रहा हूँ मैं और थोड़ा ईजी हो गया है। रादर देन एक फ्लैट टायर पर चल रही थी गाड़ी, उससे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। थोड़ा और एक बार बाहर से देख लेते हैं कैसा लग रहा है। सो दिस इज द प्रोफाइल ऑफ द टायर, थोड़ी साइड से ऊंची है एंड बैक साइड से ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंड इट्स नाइस। तो लॉन्ग टर्म में पता लगेगा हाउ गुड इट इज एक्चुअली। फिलहाल इट्स टाइम फॉर अस टू रोल। सो गाइज ये टायर मेरे को पड़ा 2850 रुपये का, 2850 रुपीज़ का इंक्लूडिंग द ट्यूब। और मैंने अपनी ओल्ड ट्यूब वापस अपने पास रख ली है क्योंकि फिर वो काम आती ही आती है, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। मैंने टायर छोड़ दिया था क्योंकि वो किसी काम का नहीं मेरे अब। तो ये हो गया मेरा एक काम और सॉर्टेड। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके गाइज, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।